अस्सलाम वालेकुम। ये पहले वीडियो बनाई थी हमने थ्री फेज पे, आज जो सिंगल फेज पे बना रहे हैं वीडियो कि इसमें जो है लॉक रूटर होता है, लॉक रूटर किसे कहते हैं, रनिंग लोड एम्पेयर, लॉक रूटर एम्पेयर, और इसकी डेफिनेशन है एम्पेयर में, और इसमें से एल आर ए आप किस तरह निकाल सकते हैं देख सकते हैं। इसकी पूरी डेफिनेशन कोशिश करूंगा आपको बताने की। अब इसकी डेफिनेशन हम शुरू करते हैं कि क्या है। देखें, मुख्तसर सी वीडियो कोशिश करूंगा बनाने की, लंबी का फायदा नहीं होता, काम समझ आ जाए बस इतना ही बहुत होता है। ये देखें, जो ये होता है ना लॉक रूटर एम्पेयर, ये इसे बोलते हैं। वैसे तो कोई डेफिनेशन मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है ये वाली, पहले भी मैंने बताया है कि ये बोलते हैं जब रूटर लॉक, और लॉक रूटर का मतलब होता है कि बंद जब कंप्रेसर हो तो स्टार्ट लेने लगता है, या कोई भी चीज हो जब घूमने लगती है उससे जो टार्क पैदा होता है, जो एम्पेयर होते हैं टार्क लोड, ये उसे कहते हैं लॉक रूटर एम्पेयर। ठीक है जी। और ये इसी तरह ये जो है, इसके बाद ये होता है रनिंग लोड एम्पेयर। मिसाल के तौर पर जब रनिंग लेती है उस वक्त, मतलब तो यही दोनों का एक ही, लेकिन ये कोई मतलब हर बंदे की अपने अपनी डेफिनेशन है, इसलिए मैंने डबल बता दिया आपको कि दिल में आपके शक में कोई ये बता दे आपको, कहना ये क्या चीज है, ये क्या, तो ये क्या चीज है, इसलिए बता रहा हूं। जब इसमें ये होता है कि अगर एक टन आपका हो ना, उसके जो एल आर ए होते हैं वो होते हैं 36। ठीक है जी, 36 एल आर ए, एल आर ए 36 है जो, वो आपका एक टन का एल आर ए 36 होते हैं। अब आप इसका बाखूबी देख लें, अगर एल आर ए 36 है तो इसमें आपने इसके अम्पेयर मालूम करने हैं और टन मालूम करने हैं। ठीक है जी, टन मालूम तो हो चुके समय बासानी, एक टन का आपको पता चल गया। मिसाल के तौर पर डेढ़ टन हो 36, ये देखें, अगर मिसाल के तौर पर डेढ़ टन आपके पास है, उसके एल आर ए उस पे कंप्रेसर पे मेंशन है 54 एल आर ए मेंशन है, इसे आप तकसीम कर दें, आर ए 54 को तकसीम कर दें 36 पे। ठीक है जी, तो आपका जो जवाब आएगा 5 टन, डेढ़ टन का आपका ये कंप्रेसर का जवाब आ गया। इसका तो आंसर आसान सा ये हो गया। अब इसमें हम इसमें ऐड देखेंगे कि इसके अंपेयर कैसे मालूम करने हैं, कि इसके अंपेयर कैसे आपको पता चलेगा कि इसके अंपेयर कितने हैं, ये वाली चीज जो है ये आप देखेंगे हम कि अंपेयर कैसे देखेंगे। अब आपका आ गया, इसके अंपेयर निकालने हैं। पहले सबसे इस पे हमने लिखना है एल आर ए। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर एक टन के लिख लेते हैं 36 एल आर ए इसका आ गया। इसके बाद इसको हमने क्या करना, क्या इसको देखें सीन इसको करना है हमने, इसका फार्मूला है 6 फार्मूले पे आप तकसीम कर देंगे तो जाहिर 6 6 36 पे ये इसका जो आंसर आएगा, इसका आएगा हमारा 6। ठीक है जी, 6 में से हमने इसको इसमें से माइनस करने हैं, ये देखें माइनस करेंगे 0.5, फिर 0.5 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा हमारा, इसके बाद जवाब आएगा 5.5 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें आप कोई भी चीज हो, कोई भी किसी तरह भी हो, तो इस तरह आप इसका पूरा निकाल सकते हैं। इसका एम्पेयर भी निकाल लिए हमने, टन भी निकाल लिया, ये दो इसके आ गए जनाब, ये टन का जवाब हमारा आ गया और ये हमारा आ गया एम्पेयर का। ठीक है जी, इसी तरह कोई भी हो, अगर ये वाले हो आपके पास एल आर ए हो, इसको आपने मिसाल के तौर पर 1/5 के कंप्रेसर का है, इस पर 5 पे तकसीम करके आप इसको कर लें। अगर मैं 5 पे तकसीम करूंगा तो इसका जो जवाब आएगा उस जवाब को इसमें निकाल के तो इसके हम एम्पेयर मालूम कर सकते हैं कि ये कितने एम्पेयर इसके हैं, वो भी करके दिखा देता हूं आपको मैं। सात ये आ गया आपका 5, 1/5 मैंने लिख दिया, 1/5 का जो आपका कंप्रेसर है ना,
एचपी बटा 5 एचपी का कंप्रेसर है वो है। अब इसको मैंने लिख के इसको जब माइनस करूंगा तो इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा 7। इसका जवाब जो है, इसका जवाब आप देखना 7.2 जवाब आ जाएगा इसका। इसमें अब इसके बाद जब इसको तकसीम हमने करना है 6 पे, तकसीम 6 पे आप कर देंगे तो इसके आएगा, इसका जो आंसर आएगा इसका आएगा 1.2 आएगा। और इसके बाद इसमें इसका जो आंसर आप आएगा ये इसका आ गया। इसके बाद हमने इसको अब करना है पॉइंट, इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस आप करेंगे 0.5 को माइनस करके तो इसका जो जवाब आएगा वो हमारा आएगा 0.7 एम्पीयर। आपका जो है ये आपके एम्पीयर आ गए, ठीक है जी। इसमें दो चीजें आपने देख लेनी है, थोड़ा बहुत वोल्टेज की वजह से यहां पे अगर 8 हो गए या 9 हो गए, 8 हो गए कम और लोड के हिसाब से आपके हो सकते हैं। ये ना आप कहें कि ये फार्मूला निकल आया और इसका हो सकता है। बादों का जो बीटीयू होते हैं, मिसाल के तौर पर एक बड़ा 5 का हमने कंप्रेसर ले लिया है, ये जहां पे मेंशन कर देता हूं, एक 1 एचपी उसकी लिखी होती है उन्होंने, 1/5 एचपी तो वो लिख देते हैं, लेकिन जब उसके वाट जो लिख देते हैं ना, वाट लिखते हैं वो, ठीक है जी, जब वो वाट लिखते हैं उसके तो उसमें कभी तो उसमें 130 वाट का बी कंप्रेसर होगा, ठीक है जी। कभी 1/5 एचपी में आपका जो है 140 वाट का भी हो सकता है, कभी इसमें आपका 170 वाट का भी हो सकता है, इसके हिसाब से जो है। लेकिन फार्मूला फिर उसके हिसाब से लगेगा, उसको चेंज करके लगा के उसके आप एम्पेयर मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें फर्क आता है, ये ना आप सोचें कि एक ही होता तो मोटर के वाट से एम्पेयर निकलने होते हैं, और ये देखना पड़ता है। अब जैसे आप 600 का कंप्रेसर आ रहा है, उसकी जो मोटर कोर साइज होता है ये 1/5 है, उसके वाट ज्यादा होते हैं, मोटर कोर भी बड़ी होती है। जब ये 600 में आ गया, उसमें तो आपकी कोर जो साइज का कोर वो लगाते हैं, कोर छोटी लगा दी है, उसके हिसाब से उसके वाटेज के हिसाब से उसके देख के फिर आपका ये LR के हिसाब से निकलेगा। ये ना देखें कि आप वो 1/5 है, आपने कहा 1/5 का ही है, भाई 1/5 जो है ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, कोई भी डेफिनेशन नहीं है। 1/5 में ये भी आता है, 1/5 में 200 वाट का भी आता है, 1/5 कैपेसिटी होती है तो 120 वाट में भी है, 1/5 में 20 वाट में भी है, 120 वाट में, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं। इसमें ये आपने देखना है कि जो हमारा कंप्रेसर है उसके वाटेज कितने, उसके हिसाब से ये फार्मूला निकाल के इसको अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये क्या है। ये अब पूरी वीडियो आपने देख ली, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। हाँ, ये एक और चीज रह गई, वो भी आपको बता देता हूं मैं। अगर आपके पास 1 टन है ना, ये देखें 1 टन, 1 टन, 1 टन अगर हो, 1 टन हो ना, ये देखें 1 टन है, 1 टन हो तो इसके आपको एचपी भी पता होना चाहिए कितने हैं। 1 टन के जो एचपी होते हैं, 1 टन बराबर होता है 4.7 एच पी के, ठीक है जी। ये भी एक फार्मूला है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी बड़ी काम की बात है। और जो एक एच पी हो, 1 एच पी, ठीक है, 1 एच पी जो बराबर होता है 746 वाट के, ठीक है जी। ये भी एक फार्मूला, चलो मैंने कहा ये भी आपको इन्फॉर्मेशन में आपका इजाफा कर दूं, ठीक है जी, शुक्रिया जी। ये वीडियो हमने बनाई है आपको समझाने के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शुक्रिया जी।